बीसीसीआई दे प्रधान जगमोहन डालमिया दा एतवार नूं कोलकाता च देहांत हो गया। डालमिया बीमार सन अते कोलकाता च हस्पताल च दाखल सन। दिल दा दौरा पैण तों बाद डालमिया दा इलाज चल रहा सी, पर एतवार नूं डालमिया ने अपने आखिरी साह लए। पूरा क्रिकेट जगत शोकग्रस्त है, भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व ने एक सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर को खोया है। उनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय क्रिकेट के लिए रहा, विश्व क्रिकेट के लिए रहा। डालमिया नूं वीरवार नूं अलीपुर च उन्हां दे घर च होंदे होए सीने च दर्द उठिया सी। इस तों बाद डालमिया नूं बीएम बिरला हार्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट च दाखिल करवाया गया। इलाज दौरान डालमिया की एंजियोग्राफी की गई सी अते दिल ते जमे खून दे क्लॉट्स नूं हटाया गया सी। डालमिया नूं आईसीयू च ही रखा गया सी। हालांकि वीरवार नूं ऑपरेट करन तों बाद शनिवार नूं उन्हां दी हालत स्थिर दसी गई। हस्पताल तो मिली जानकारी अनुसार एतवार शाम 6 बजे तो बाद डालमिया की हालत विगड़ गई। दिल का दौरा पैण कारण अते कई अंगा दे काम करना बंद करन तो बाद डालमिया का देहांत हो गया। डालमिया पिछले काफ़ी दिनों तो बीमार चल रहे सन। बीमारी कारण डालमिया बीसीसीआई के रोज़ के कामकाज भी हिस्सा नहीं ले पा रहे सी। विश्व के सब तो बेहतरीन क्रिकेट अधिकारियों शुमार डालमिया इसे साल 10 साल के लंबे अंतर तो बाद एक बार फिर तो बीसीसीआई के प्रधान बने सन। डालमिया की मौत की खबर मिलते ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी हस्पताल पहुंची। जगमोहन डालमिया भारतीय क्रिकेट और विश्व क्रिकेट को नवी बुलंदियों तक पहुँचाने लिए जाना जाता है। अच्छे क्रिकेट प्रेमियों और खेड नाल जुड़ियां शख्सियतों लिए डालमिया का देहांत एक बड़ा झटका है।